Hello students, welcome back to the channel and today's topic is common errors based on conjunctions. So conjunction के बारे में एक overview में देना चाहता हूँ जिनको पता नहीं है कि conjunction क्या है. Conjunction speech का वह part है जो किसी दो words को, दो clauses को, दो sentences को या फिर किसी दो phrases को जोड़ता है. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस और उन सारे कंजंक्शंस को आज के सेशन में मैं एक्सप्लेन करूँगा थ्रू एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन कंजंक्शंस. तो चलिए शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर वन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड्स. क्वेश्चन नंबर वन है ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज नो एरर. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ऑल्दो की बात करते हैं, ऑल्दो या दो, तो उसके साथ बिकॉज दिस इज नॉट ए कोरिलेटिव कंजंक्शन, सो इसके साथ या तो हम येट यूज करते हैं या फिर हम सिर्फ कॉमा यूज करते हैं, बट हम यूज नहीं करते हैं. सो ऑल्दो के साथ हम बट यूज कभी भी नहीं करते हैं, इसीलिए यहां पर बट नहीं होगा. यहां पर क्या होगा, सिर्फ मी के बाद एक कॉमा होगा या फिर बट के जगह पे येट होगा. सो आपका जो एरर पार्ट है वह है बी, ऑल्दो दे लिसन टू मी येट देयर एक्शंस प्रूफ अदरवाइज. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के तरफ. He treats us as slaves. No errors. This sentence has no error. यहां कोई भी error नहीं है. दूसरी बात है कि सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया गया है. इस सेंटेंस एक सिंगल क्लाउज का सेंटेंस है. इस सेंटेंस में डबल क्लाउजेस, दो या दो से अधिक क्लाउजेस नहीं है, इसलिए यहां जो यह एज है, यह एज एक कंजंक्शन नहीं है. सो दिस सेंटेंस हैज नो एरर, ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स, नो एरर. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ. Most of the girls are doing their post graduation because they may get good husbands. No error. You get 10 seconds. चलिए फटाफट आंसर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाए इससे. Your time is over. Most of the girls are doing their post graduation. बहुत सारे लड़कियां post graduation कर रही है और post graduation करने का purpose क्या है, purpose के लिए हम क्या use करते हैं, कौन सा conjunction use करते हैं, हम use करते हैं so that या in order that. ये दो conjunction हम purpose के लिए use करते हैं. So purpose क्या है, अच्छे हस्बैंड्स पाना. सो यहां पर बिकॉज के जगह पे क्या होगा, यहां होगा या तो सो दैट होगा या फिर होगा इन ऑर्डर दैट. और इस दोनों के बाद हम हमेशा मे यूज करते हैं और मे यहां पर यूज किया गया है, इसलिए बी पार्ट में एरर है. इस करेक्ट सेंटेंस होगा मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग दियर पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट दे मे गेट गुड हस्बैंड्स. सो एरर पार्ट है बी. क्वेश्चन नंबर फोर है सच वाज हिज प्रोनंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. योर टाइम इज ओवर नाउ. आपका एरर पार्ट बी है. बी क्यों है, बिकॉज यहां पर
एज के जगह पे क्या यूज करेंगे हम दैट यूज करेंगे। अब यहां एज के जगह पे दैट यूज क्यों यूज करेंगे, सच के साथ हम एक कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में जब हम सच का यूज करते हैं तो उसके साथ हम एज भी यूज करते हैं और उसके साथ हम दैट भी यूज करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 90% स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर सच के साथ हम एज यूज करें और कहां पर हम सच के साथ दैट यूज करें। सो आज मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। सच के साथ हम एज तब यूज करते हैं जब हम कोई एग्जाम्पल प्रोवाइड करना चाहते हैं, जब हम उदाहरण देना चाहते हैं तो वहां पर हम सच के साथ हम एज यूज करेंगे। ये आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में यह मिलेंगे आपको। और सच के साथ हम दैट यूज तब करते हैं जब हम आने वाले एक्शन यानी जो नेक्स्ट एक्शन है उसको हम इम्फेसाइज करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं यानी उस पर हम जोर डालना चाहते हैं, तब हम सच के साथ हम दैट यूज करते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है कि सच के साथ नॉर्मली क्लाउज नहीं आता है, सच एज के साथ, सच एज के साथ क्लाउज नहीं आता है, लेकिन सच दैट के साथ क्लाउज आता है। सो यहां पर है सच वाज हिज प्रोनंसिएशन That I could not understand him। यहां पर that के बाद एक clause भी आया है, पहली बात। दूसरी बात है कि such was his pronunciation को emphasize करने के लिए इस clause को डाला गया है और उन दोनों को जोड़ रहा है that यानी such that। अब आते हैं question number 5 के तरफ। आपका टाइम ओवर है। डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी प्लेस किया गया हो और वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तो हम डब्ल्यू एच वर्ड यानी हु है, व्हाट है, वेयर है, इसको हम कंजंक्शन मानते हैं। हु एक कंजंक्शन है और जब कंजंक्शन ऑलरेडी है यहां पे तो हम दैट की जरूरत यहां पर नहीं है, इसलिए बी पार्ट में एरर है। दूसरी बात है कि मैं और एग्जांपल देना चाहता हूं। ही सेड टू मी हु आर यू, यह डायरेक्ट स्पीच है, नरेशन का है, यह डायरेक्ट स्पीच है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर सेड टू के जगह पे आस्क्ड हो जाएगा। यहां देखिए ही आस्क्ड मी, मी डाल सकते हैं, मी नहीं भी डाल सकते हैं। और यहां पर जब रिपोर्टेड स्पीच किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड से है शुरू, हु व्हाट वेयर व्हिच किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो बीच में हम दूसरा कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं, तो फिर हु ही यहां आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बिकॉज यह तो इंट्रोगेटिव है डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो यहां आई हो जाएगा, और यह प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, हु आई वॉज, फुल स्टॉप। सो आपका एग्जैक्ट यही सेंटेंस मिल गया। इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड कहीं भी सेंटेंस के बीच में है और वह सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो उसी डब्ल्यू एच वर्ड को हम कंजंक्शन मानते हैं और उसके साथ दूसरा कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। क्लियर। नंबर 6 है, यू विल गेट 10 seconds, फटाफट आंसर कीजिए और शेयर भी करते रहिए, अपने अपने जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पर शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग।
ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सच के साथ हम एज यूज तब करेंगे जब एग्जाम्पल्स डिनोट करता है, एग्जाम्पल्स का बोध कराता है, एग्जाम्पल्स शो करता है. सो आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स. फॉर एग्जाम्पल विच आर इंटरेस्टिंग. सो यहां पर सच के साथ हम दैट यूज नहीं करेंगे, सच के साथ हम यहां पर एज यूज करेंगे. क्लियर हो गया? सो आपका जो एरर पार्ट है वह है सी. सी पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. इच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इट डीम्स नेसेसरी. अब सच एज और सच दैट दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. इच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज टू टेक सच एक्शन एज इट डीम्स नेसेसरी. एज इट डीम्स नेसेसरी, यहां पर इट डीम्स नेसेसरी सच एक्शन. सच एक्शन एज इट डीम्स नेसेसरी यह एग्जाम्पल शो कर रहा है, इसलिए जो एरर पार्ट है वह होगा सी. शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे. इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे. इन सच डिस्ट्रेस को इंफेसाइज करने के लिए हमने यूज किया है सच, तो उसके साथ यूज होगा दैट. यहां पर होगा दैट, एज नहीं होगा, इसलिए आपका एरर पार्ट सी है. सी पार्ट में एरर है. क्लियर? ज्यादा टाइम इस पे नहीं लूंगा मैं. अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ. दिस फिल्म होगा. दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग. देखिए आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं कि यह फिल्म इंटरेस्टिंग है और पहले वाला बोरिंग था. बट क्या जो हम बोलते हैं वह सही है? ग्रामेटिकली वह गलत होता है. बिकॉज पहली बात है कि इस यह जो फिल्म है वह इंटरेस्टिंग है और पहले वाला फिल्म वो बोरिंग था. इंटरेस्टिंग और बोरिंग दो अपोजिट वर्ड्स है. जब दो अपोजिट वर्ड्स है तो वहां पर क्या है? कंट्रास्ट है. जब कंट्रास्ट है तो कंट्रास्ट के लिए हम एंड यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या यूज करते हैं? बट यूज करते हैं. सो यहां पर क्या होगा? बट होगा. दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग. यानी द एरर पार्ट इज बी. क्वेश्चन नंबर 10. इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट. Fine. So this sentence is errorless. This sentence has no error. आपका ऑप्शन होगा डी. एरर क्यों नहीं है? इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट. वेदर बिल्कुल सही यूज है. यह मालूम करना बहुत ही मुश्किल है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं. यानी और नॉट आ गया तो उससे पहले वेदर ही आएगा. यानी वेदर और आगे क्या आएगा? और नॉट. यह नरेशन में आपने पढ़ा होगा. सो दिस सेंटेंस हैज नो एरर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. ही हैज नो चांस देन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस.
ही हैज नो चांस देन नहीं आएगा यहां पे, यानी बी पार्ट में एरर है। तो देन नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहां पर आएगा बट। नो चांस, या अगर नो अदर होता, अगर नो अदर होता तो यहां पर क्या आता, देन आता, लेकिन यहां पर देन नहीं आएगा बल्कि यहां पर बट आएगा, क्योंकि यहां पर नो अदर नहीं है। सो आपका जो एरर पार्ट है वह है बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दे हैड हार्डली फिनिश्ड दियर मील्स दैट एट वंस दे रिज्यूम्ड दियर ड्यूटी। योर टाइम इज ओवर, और जो एरर पार्ट है अपने आंसर से आप टैली कीजिए, जो एरर पार्ट है वह है बी। बी पार्ट में एरर है, क्यों है? सो देखिए, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहां पर। जब हार्डली का हम यूज करते हैं एज कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वेन यूज करते हैं। स्कार्सली के साथ भी हम वेन यूज करते हैं, और नो सुनर के साथ हम देन यूज करते हैं। यहां पर दैट यूज बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वेन, क्योंकि यहां पर हार्डली यूज किया गया है। सो दे हैड हार्डली फिनिश्ड दियर मील्स व्हेन एट वंस दे रिज्यूम दियर ड्यूटी। सो आपका एरर पार्ट बी है, दैट के जगह पे व्हेन होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हार्डली के साथ व्हेन यूज करते हैं, स्कार्सली के साथ भी व्हेन, और नो सूनर के साथ हम देन यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, एरर में देन दिया होता है, टी एच ई एन, जो गलत होता है, टी एच ए एन होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने पढ़ाया है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप सब देख लेना। अगर पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है कि जब पॉजिटिव डिग्री में जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं एज, उसके साथ एज अफर्मेटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए एज या सो, और फिर हम एज यूज करते हैं हम नेगेटिव के लिए। So, यहां पर देखिए, आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल, यहां एज है तो यहां इक्वली क्यों होगा, यहां पर भी होगा एज होगा। आई डोंट नो वेदर राज इज एज गुड एज विमल। सो यहां पर इक्वली की जगह पे एज आएगा। आपका एरर पार्ट बी है, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूजडे। You get 10 seconds. Fine. So आपका C पार्ट में एरर है, आपका आंसर होगा C. अब C को क्यों होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये जो ऑन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ऑन एक एडजेक्टिव का भी काम कई बार करता है। सो यह एडजेक्टिव का काम अगर करता है तो जिसको क्वालिफाई करता है, जिसकी विशेषता बताता है, उसके ठीक पहले आएगा। तो यह ऑन किसकी विशेषता बता रहा है, मंडे की, तो आइदर से पहले क्यों आएगा, तो फिर क्या होगा, ही विल रिटर्न आइदर ऑन मंडे, आइदर के बाद आएगा ऑन, और ट्यूजडे। सो आपका जो एरर पार्ट है वह है सी, ऑन आइदर नहीं बल्कि क्या होगा, आइदर ऑन होगा, आइदर ऑन, और फिर उसके बाद मंडे और ट्यूजडे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं,
He is not honest and not truthful. So your time is over now. देखिए, he जो pronoun है, subject है, इसकी दो विशेषता की हम बात करते हैं. क्या है? Honest है और दूसरा truthful है. दो adjective. और दोनों में से कोई भी विशेषता उसमें नहीं है. तो जब हम बात करते हैं दो में से एक भी नहीं, तो हम क्या यूज करते हैं? Neither nor. तो यहां पर not के जगह पे क्या होगा? Neither और एंड नॉट के जगह पे क्या होगा? नॉर. सो ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर ट्रूथफुल. सो सी पार्ट में एरर है. क्लियर हो गया? ही इज नॉट ऑनेस्ट. अब ऐसा नहीं है कि आप अपने तरह से मीनिंग आप बिठा लो कि वह ऑनेस्ट नहीं है और ट्रूथफुल नहीं है. ऐसा नहीं होता है. जो इंग्लिश ग्रामर है, ग्रामर का सर्टेन रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना है हमें. तो रूल्स के अनुसार दो में से एक आइदर और, दो में से एक भी नहीं नाइदर नॉर, तीन या तीन से अधिक में से एक एनीवन, और तीन या तीन से अधिक में से एक भी नहीं नन. यह रूल हमें हमेशा फॉलो करना है. तो क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 16 में है, व्हेन राम वाज गोइंग टू द एयरपोर्ट हिज कार ब्रोक डाउन. जब कोई कंटिन्यूअस एक्शन है, जब कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन है, तो वहां पर हम व्हेन यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं? व्हाइल यूज करते हैं. तो व्हेन की जगह पे क्या होगा? व्हाइल. कंटिन्यूअस एक्शन के साथ हम व्हाइल यूज करते हैं, और जो कंप्लीटेड एक्शन है उसके लिए उसके साथ हम व्हेन यूज करते हैं. सो यहां पर व्हेन की जगह पे क्या होगा? व्हाइल होगा. व्हाइल राम वाज गोइंग टू द एयरपोर्ट हिज कार ब्रोक डाउन. सो आपका जो एरर है वह ए पार्ट में है. व्हेन के जगह पे फाइल होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन करते हैं. नो सुनर डिड शी गेट अप फ्रॉम हर बेड देन शी वाज सेंट टू द डेयरी. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. नो सुनर के साथ हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं देन, जबकि यहां पर है देन जो गलत है. यहां देन की जगह पे क्या होगा? देन होगा. सो आपका जो एरर है वह सी पार्ट में है. देन की जगह पे देन होगा, क्योंकि नो सुनर के साथ हम हमेशा देन यूज करते हैं, और यह है कोरिलेटिव कंजंक्शन. क्वेश्चन नंबर 18, विकास वर्क्स हार्ड सो दैट ही डज नॉट फेल इन द क्लास एग्जामिनेशन. विकास वर्क्स हार्ड सो दैट ही डज नॉट फेल इन द क्लास एग्जामिनेशन. यहां बताइए, यहां जो सो दैट है, मैंने बताया है जो सो दैट है, सो दैट के साथ हम मे यूज करते हैं. सो यहां पर डज के जगह पे क्या होगा? मे होगा. यह भी एक कंजंक्शन से ही रिलेटेड है, हालांकि यह मॉडल है, बट सो दैट के साथ रूल है. सो दैट एक कंजंक्शन है, उसके बाद में जो वर्ब हम यूज करते हैं वह हमेशा मे होता है. सो दैट ही मे नॉट फेल इन द क्लास एग्जामिनेशन. बी पार्ट में आपका एरर है. क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. फटाफट आंसर कीजिए आप सब. आपका टाइम अब ओवर हो चुका है. मैंने बताया था कंजंक्शन के बारे में. कंजंक्शन के बारे में मैं पहले ही बताया हूं. नो सुनर है,
उसके साथ हम देन यूज करते हैं या एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि यह हमेशा पेयर में आता है। जो कंजंक्शंस हमेशा पेयर में आता है, यानी दोनों का यूज सेंटेंस में अलग अलग जगह पे होता है, उसको बोलते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन। लेकिन जो कंजंक्शन दो या दो से अधिक वर्ड से बना हुआ है, जो एक साथ लिखा जाता है, उसे बोलते हैं हम कंपाउंड कंजंक्शन। सो कंपाउंड कंजंक्शन में आता है एज सून नहीं बल्कि एज सून एज, जबकि यहां पर है एज सून है, तो यहां पर क्या आएगा एज सून एज, ज्यों ही। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही। सो एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल द बॉयज स्टूड अप। आपका जो एरर है वह ए पार्ट में है, क्यों है? बिकॉज कंपाउंड कंजंक्शन यहां पर करेक्टली यूज नहीं किया गया है, एज सून के साथ एज भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो मेन वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब वर्क। अब यहां पर यह भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली, आगे क्या होगा, बट ऑल्सो। इसको पैरेलल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस वर्ड के साथ यानी जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ के पहले नॉट ओनली यूज किया जाता है, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले बट ऑल्सो भी यूज किया जाता है। सो यहां पर वुमेन है जो नाउन है, उसके पहले नॉट ओनली यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। तो बट ऑल्सो भी मेन से पहले यूज किया गया है, वो भी नाउन है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यह सेंटेंस पैरेलल है। यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो को बिल्कुल पैरेलली यूज किया गया है, देयर इज नो एरर एट ऑल। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको मिलता है 10 सेकेंड, दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स रॉ मटेरियल बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स। अब यहां पर भी है सेम नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका क्या यूज है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स, अभी आंसर कीजिए, इसको फटाफट आंसर कीजिए, और आंसर करने के साथ साथ इसको वीडियो को शेयर भी करते रहिए, मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर कीजिए। मैंने क्या बताया था कि नॉट ओनली जिस पार्ट ऑफ स्पीच के पहले यूज किया जाएगा, उसी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले बट ऑल्सो भी यूज किया जाएगा, या नॉट ओनली मैन्युफैक्चर जो वर्ब है वर्ब से पहले यूज किया गया है, और यहां पर जो बट ऑल्सो है वह नाउन से पहले यूज किया गया है, तो अनपैरेलल हो गया, गलती यहां पे है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नाउन है, उसके पहले नॉट ओनली आएगा, तो प्लास्टिक भी नाउन है, उसके पहले बट ऑल्सो आएगा, यहां पर अनपैरेलल हो गया। यहां पर मैन्युफैक्चर क्या आएगा, नॉट ओनली मैन्युफैक्चर के बाद आएगा, यानी यहां पर नॉट ओनली आएगा। सो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली रॉ मटेरियल बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स, यानी आपका किस पार्ट में एरर है, आपका ए पार्ट में एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, दो शी वर्कड हार्ड स्टिल शी कुडंट पास द स्कूल एग्जामिनेशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात है कि आपका बी पार्ट में एरर है, आपका एरर आंसर होगा बी, आपका आंसर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑल्दो, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऑल्दो या दो के साथ हम क्या यूज करते हैं, या तो कॉमा यूज करते हैं या फिर यट यूज करते हैं, जबकि यहां पर स्टील यूज किया गया है जो बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या होगा, स्टील की जगह पे यट होगा, दो शी वर्कड हार्ड यट शी कुड नॉट पास द स्कूल एग्जामिनेशन। सो आपका जो एरर है वह बी पार्ट में है, क्यों, बिकॉज स्टील दो या ऑल दो के साथ यूज नहीं किया जाता है, उसके साथ येट यूज किया जाता है या फिर कॉमा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फुटबॉल कोचिंग वॉज सस्पेंडेड व्हेन इट हैड स्टार्टेड रेनिंग।
इसका आंसर कीजिए फटाफट। चलिए चलिए, आपका टाइम अब ओवर हो गया। द फुटबॉल कोचिंग वॉज सस्पेंडेड या पैसिव वॉयस है किसका? सिंपल पास्ट का। और वेन के बाद दूसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट है। तो जब भी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट एक सेंटेंस में यूज किया गया है तो समझिए कि एक काम पहले हुआ, एक काम पहले कंप्लीट हुआ वह पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा काम बाद में कंप्लीट हुआ वह सिंपल पास्ट में होगा। और कंजंक्शन के रूप में हम क्या यूज करेंगे? बिफोर और आफ्टर। सो द फुटबॉल कोचिंग वॉज सस्पेंडेड, कब सस्पेंड हुआ? जब बारिश शुरू हो गई उसके बाद। तो यहां पर बाद के लिए हम क्या यूज करेंगे? आफ्टर। यहां पर वेन के जगह पे होगा आफ्टर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम एंड विकास अराइव्ड अर्ली सो एज दैट दे माइट गेट अ गुड सीट इन द लोकल ट्रेन। राम एंड विकास अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी आ गए। जल्दी आने का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, कुछ पर्पस रहा होगा। तो पर्पस के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं? या तो यूज करते हैं सो दैट या यूज करते हैं इन ऑर्डर दैट या कंजंक्शन के रूप में हम यूज करते हैं। तो यहां क्या होगा? सो दैट, सो एज नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? सो दैट, यानी एज को हम करते हैं एलिमिनेट और आगे मे यूज होता है। क्योंकि पास्ट का है बात, इसलिए हम माइट यूज हमने किया गया है। बिल्कुल सही है, यानी क्या होगा? राम एंड विकास अराइव्ड अर्ली सो दैट दे माइट गेट अ गुड सीट इन द लोकल ट्रेन। सो एरर पार्ट क्या है? बी है। बी पार्ट में एरर है, आपका आंसर होगा बी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ही आस्क्ड हिम दैट राम वॉज गोइंग टू अटेंड द डिनर पार्टी। सो माई डियर स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस में है आस्क्ड, नरेशन अगर आपको पता है तो जरा नरेशन के तरफ आप दिमाग लगाइए। और नरेशन में क्या है कि जब आस्क्ड यूज होता है तो हम कंजंक्शन के रूप में हम दैट यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? इफ यूज करते हैं या वेदर यूज करते हैं। यहां क्या होगा? इफ। ही आस्क्ड हिम इफ राम वॉज गोइंग टू अटेंड द डिनर पार्टी। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही सेड टू हिम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नरेशन पता नहीं है इसको आप ध्यान से देखिए। ही सेड टू हिम, उसने पूछा, इज राम गोइंग टू अटेंड द डिनर पार्टी। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेट टू को हम आस्क्ड करेंगे, क्या होगा? ही आस्क्ड हिम। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर वह किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, किसी ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू है, तो हम कंजंक्शन के रूप में क्या यूज करते हैं? इफ या वेदर यूज करते हैं। हमने इफ यूज कर दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट पहले आएगा। इफ, सब्जेक्ट क्या है? राम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज गोइंग टू, आगे सेम होगा। तो आपको एग्जैक्ट यही सेंटेंस मिल गया। इसलिए यहां पर जब आस्क्ड है तो उसके बाद जो कंजंक्शन आएगा वह क्या आएगा? इफ आएगा या वेदर आएगा। अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड अपने आप में एक कंजंक्शन का भी काम करता है। सो यह है क्वेश्चन नंबर 25 और इतना ही इस सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो गाइज़।